नमस्कार दोस्तों, साहित्य दर्शन पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के बारे में। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण, हनुमान जी, यमराज और मां काली के पूजन का विधान है। इसे नरक चतुर्दशी के अलावा यम चतुर्दशी, रूप चौदस और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सौंदर्य और आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आज के दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बना लिया था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसके बाद नरकासुर के बंधन से मुक्त कराई गई कन्याओं को सामाजिक मान्यता दिलवाने के लिए भगवान कृष्ण ने सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नरकासुर का वध और 16,000 कन्याओं के बंधन मुक्त होने की खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नरक की यातनाओं की मुक्ति के लिए कूड़े के ढेर पर दीपक जलाया जाता है। इस दिन को नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन तिल के तेल से मालिश करके स्नान करने से भगवान कृष्ण रूप और सौंदर्य प्रदान करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम से आटे का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में मां काली का पूजन करने का विधान है। इसे बंगाल प्रांत में काली चौदस कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इस पर्व का महत्व। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दीपदान करने से नरक में मिलने वाली यातनाओं, सभी पाप सहित अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा और व्रत करने वालों को यमराज की विशेष कृपा भी मिलती है। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के बारे में। आशा है आपको पसंद आए होंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबको हमारे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली।